नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि माता रानी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को इस बात से अवगत करा दूं कि दोस्तों ईश्वर की कृपा आप पर पड़ चुकी है, लेकिन दोस्तों आपके दिल पर जो ये गहरी चोट लगने वाली है, इसके बारे में ज़रा कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। देखिए, आपने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे समय का सामना किया है और बहुत बुरे समय का भी सामना किया है। आपको बता दें दोस्तों, जिनके ऊपर दोस्तों ईश्वर मेहरबान हो जाते हैं उनको प्रत्येक चीज़ मिलती है, और जिन पर गुस्सा हो जाती है उनके हाथों से उनकी मनचाही चीज़ भी दूर हट जाती है। इसलिए दोस्तों आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण ईश्वर आपसे रुष्ट हों। दोस्तों आपको बता दें कि ईश्वर के द्वारा दिया गया फल ना किसी का हमेशा रहता है और ना ही किसी से छिन सकता है। वीडियो को अभी देख लो दोस्तों, वरना बाद में पछतावा होने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ खतरा आ रहा है, जिसमें आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। दिल पर गहरी चोट लगने के कारण कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आने वाले अगले 3 दिनों की समय अवधि में कुछ बड़ी गड़बड़ होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अंतरिक्ष ग्रह गोचर काफी प्रभावशील होते हैं और ये आने वाले अगले 72 घंटे यानी कि 3 दिन में व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए व खासकर शादीशुदा जोड़ों के लिए भी आने वाले अगले 3 दिन कौन से प्रभाव आप सभी के जीवन काल में पड़ने वाले हैं, क्या खास सावधानियां रखनी है, कौन से कार्य करने हैं, सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम आपको कार्य से लेकर उपाय तक बताएंगे। बस थोड़ा सा समय देकर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने की कृपा करें। और दोस्तों सभी जानकारी आप अच्छे से प्राप्त कर सकें, इसलिए आप लोगों को प्रत्येक बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो हो जाइए तैयार और इस वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इस समय आपके लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये बड़े देवता का भी आशीर्वाद आप सभी के साथ बना रहेगा। वह दोस्तों मुसीबत आपके सामने होगी, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आपके ऊपर कोई भी विपत्ति इस समय नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी समस्या इस समय पर आपके जीवन में नहीं आने वाली है। यदि आपके सामने दोस्तों आपको बता दें रक्षा करने के लिए ईश्वर आए हुए हैं, इसलिए आपको अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो दोस्तों किसी बड़ी घटना का सामना आपको करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्के से कर लें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी के जयकारे लगा दें। धन की प्राप्ति होगी, मन खुशी से झूम उठेगा। संतान को आप किसी नए कोर्स में दाखिला दिला सकते हैं, जिसके लिए आप थोड़ी भागदौड़ कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आप जीवन साथी के साथ में शॉपिंग पर जा सकते हैं, जहाँ आप अच्छा खासा धन अर्जित करके आएंगे। रोजगार के लिए दोस्तों इधर उधर घूम रहे युवाओं को भी कोई अच्छा मौका मिल सकता है। वहीं दोस्तों बता दें कि जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं उनके लिए ये समय खुशियों से भरा रहने वाला है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्याएं हैं, यदि कोई लंबे समय से दोस्तों तनाव चल रहा था, तो दोस्तों आपको इस समय में उनसे भी छुटकारा मिलेगा। आपका कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद दोस्तों आपसे मुलाकात करने के लिए आ सकता है। पारिवारिक बिजनेस में कोई बदलाव आपका महत्वपूर्ण है। आपको दोस्तों किसी की बातों में आकर कोई भी कार्य करने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों वह कार्य आपके लिए गलत साबित हो सकता है। दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए जो समय होगा वो खुशनुमा रहेगा। वह दोस्तों यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है। दोस्तों यदि आप अपने भाइयों से मदद भी मांगेंगे, तो दोस्तों वो भी आपको आसानी से मिलेगी। इसी के साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको लंबे समय से रुके हुए कार्य भी अब पूरे होने वाले हैं।
कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों का पूरा साथ मिलने वाला है, जिससे दोस्तों आपके कामों में आ रही मुश्किल काफ़ी अच्छे से दूर हो सकती हैं। प्रेम जीवन में जी रहे लोग दोस्तों आत्मसारथी के साथ में प्रेम में डूबे नजर आ सकते हैं। वहीं जो लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, यात्रा करना चाहते हैं, उनका भी दोस्तों कई अच्छे परिणाम उन लोगों के हाथ लगने वाले हैं। व्यापार कर रहे लोगों को अपने कामों में भिन्न बिल्कुल भी नहीं होना है। अपने काम में दोस्तों आप लोगों को अच्छे से कार्य करना है व आलस्य त्याग कर कार्य करें, तभी आपके सभी कार्य पूरे हो सकते हैं। दोस्तों यदि आपके साथ में कोई समस्याएं चल रही थी तो दोस्तों आपको नज़रअंदाज इस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको इसके लिए बाद में पछतावा हो सकता है। परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखें, लेकिन दोस्तों आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है, जिसे देखने के बाद आपको काफ़ी खुशी होगी। इस समय आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो दोस्तों उसमें आप लोगों को चुप रहना ही बेहतर रहेगा, ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और यदि मंदी को लेकर परेशान थे तो दोस्तों आपको इस समय में अच्छा मुनाफा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने, आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी लग सकती है, इससे घर का माहौल खुशियों से भर सकता है। और दोस्तों आप इसके लिए घर में हवन पूजा पाठ भी करवा सकते हो। आपके कुछ विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको इनसे बचना चाहिए। वहीं आपको बता दूं कि आपके जीवन साथी आपका भरोसा जीतने में पूरी तरह से कामयाब रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में जी रहे लोगों के लिए दोस्तों आप लोगों की थोड़ी कलह उत्पन्न हो सकती है, ऐसे में आप इन चीज़ों से दूरी बनाकर रखिए। दोस्तों इस समय आपको हिम्मत दिलाएगा, ढेरों खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। इस समय आपके कुछ अनुमंदी कार्य को भी पूरा हो सकते हैं। भगवान का इस समय आपके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, जिसके कारण दोस्तों आप कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत ही आसानी से करने में कामयाब भी होने वाले हैं। इस समय का पूरा लाभ उठाएं। जो भी आपके जीवन में दोस्तों मौके मिले हैं, उन्हें आलस्य के चलते बिल्कुल भी ना गवाएं, नहीं तो आपके लिए बाद में पछतावे का कारण हो सकता है। दोस्तों संपत्ति खरीदने या निवेश की योजना बना रहे हैं तो समय काफ़ी अनुकूल है। छात्रों को सफलता के लिए मार्गदर्शन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। दोस्तों इस समय आपको बता दें कि ये दो दिनों तक आपको ससुराल पक्ष धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं दोस्तों, जिससे आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है। व्यापारियों को दोस्तों आज लाभ बनने की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन दोस्तों ज़रा ध्यान रखें कि आप किसी पर भी आँख मूंद कर भरोसा करने से आप लोगों का नुकसान हो सकता है। आज आपको शाम से लेकर रात तक दोस्तों सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी दोस्तों सुखन अनुभूति होने वाली है। कार्य क्षेत्र में किसी महिला मित्र से आप लोगों को सहयोग मिलने के काफ़ी हद तक आसार बन रहे हैं। दोस्तों लव लाइफ में किसी बात की वजह से विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय दोस्तों आप लोगों को बता दें कि इन दिनों में किसी भी तरह के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े से पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। आज आपको पारिवारिक और आर्थिक मामलों में सफलता भी मिल सकती है। दोस्तों आजीविका के क्षेत्र में चल रहे प्रयासरत काफ़ी सफल रहेंगे। व्यवसाय से जुड़ने से दोस्तों आप लोगों को लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।